हेलो दोस्तों, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको पिंडी छोले के साथ भटूरे की रेसिपी शेयर करूंगी और उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो हैं मैदा, सूजी, ऑयल, दही, नमक, चीनी, इनो और बेकिंग पाउडर। ये सारी चीज़ों को मिक्स करेंगे अच्छे से। अब ये सारी चीज़ें अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब हम इसमें पानी डालेंगे और जितना ज़रूरत होगी उतना उतना पानी डालकर आटा लगाएंगे इसका। धीरे धीरे हमें पानी डालना है। और इसका एक सॉफ्ट डो गूंदना है। इसको 5 से 7 मिनट अच्छे से गूंदेंगे, एकदम सॉफ्ट कर लेंगे इसको। और हल्का सा अगर हाथों पे चिपक रहा है तो हम अपने हाथों को ऑयल से ग्रीस करेंगे और इसको अच्छे से मसल लेंगे। को फूड रैप से ढक दिया है और इसको 2-3 घंटे रेस्ट देंगे, फिर हम इसके भटूरे बनाएंगे। तक हमारा ये भटूरे का आटा रेस्ट कर रहा है तब तक हम छोले बनाएंगे। इसके साथ हम पिंडी छोले बनाएंगे। इसको छोले जो मैंने लिए हैं वो काबुली चना है। इसको मैंने रात भर भिगो कर रख दिया था और अब इसको बनाएंगे। इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम बॉईल करते समय इलायची, दालचीनी, लौंग, मोटी इलायची, बे लीफ, चाय पत्ती, ये हमें कपड़े में डालेंगे। तब हम इसमें ये डाल देंगे और इसको बांध देंगे। हम इसमें छोले डालेंगे और ये हमने जो बनाया है वो इसके अंदर डाल देंगे और नमक डालेंगे और खाने का सोडा डालेंगे पिंच। और अब इसे बॉईल करने के लिए रख देंगे, कुकर का ढक्कन लगा देंगे। अब देखिए हमारा छोला एकदम गल चुके हैं, ये देखिए। अब हम तड़का लगाएंगे। अब हमें तड़के में जो भी चीज़ें चाहिए वो हैं टोमेटो प्यूरी, नमक, लाल मिर्च, छोले मसाला, देगी लाल मिर्च, अनारदाना, हींग, धनिया, ग्रेटेड जिंजर और हरी मिर्च। हमने एक पैन लिया है, उसमें मैंने घी डाला है। घी मेल्ट हो जाए फिर हम इसमें अदरक डालेंगे। घी मेल्ट हो चुका है, इसमें हम हरी मिर्च डालेंगे और ग्रेटेड जिंजर। जो अदरक डाला है कसा हुआ उसको हम सॉटे कर रहे हैं। इसमें हींग डालेंगे। अब हम इसमें टोमेटो प्यूरी डालेंगे। टोमेटो प्यूरी डालने के बाद इसमें सारे मसाले डालेंगे, छोले मसाला पाउडर, ये होममेड पाउडर है, इसकी रेसिपी मैं इसमें शेयर कर दूंगी, अनारदाना,
देगी मिर्च, मिर्च, सॉल्ट एज पर योर टेस्ट। अब हम टमाटर को अच्छे से भूनेंगे जब तक ये घी ना छोड़ जाए। अब जो है टमाटर अच्छे से पक चुके हैं और घी अलग हो चुका है इनका, और अब जो है हम इसमें छोले ऐड करेंगे। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे और 5 से 10 मिनट अब इन्हें ढककर रख देते हैं। अब हमारे छोले एकदम रेडी हैं और इनका कलर भी अच्छा आ चुका है, और हम इसको धनिया से गार्निश करेंगे। हमारे पिंडी छोले एकदम रेडी हैं। अब हम भटूरे बनाएंगे। हमने एक पेड़ा लिया है और इसका भटूरा बनाएंगे। इसको डस्ट करेंगे थोड़ा मैदे से और इसको बेलेंगे, इसको बेलेंगे। बेलते टाइम अगर थोड़ा चिपक रहे तो आप इसमें थोड़ा मैदा डस्ट कर लें और ऑयल लगा लें। हमारा तेल एकदम गर्म हो चुका है, इसमें हम भटूरा डालेंगे। हमारा भटूरा कितना बढ़िया फूल है ये देखिए। ऐसे ही हम सारे भटूरे बना लेंगे। प्लेटिंग करेंगे छोले के साथ। मैं इसे निकाल लेती हूँ। हमारे छोले और भटूरे एकदम रेडी हैं और ये खाने में भी बहुत डिलीशियस है। आप भी मेरी ये रेसिपी फॉलो करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।